friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 14, Practical Geometry of Class 6. Exercise 14.6, question number 3. Draw right angle and construct a bisector. यहाँ पे हमें एक right angle बनाना है. Right angle होता है हमारा 90 degree का angle. एक right angle बनाना है और उस angle के हमें bisector draw करने हैं. So solution start करते हैं इसका. पहले एक हम right angle draw करेंगे. Right angle होता है हमारा 90 degree का जो angle होता है. राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री का. सो पहले एक हम एंगल बनाएंगे जिसका मेजर होगा 90 डिग्री का. उसके लिए पहले एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हम इस लाइन की लेंथ अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं. देन प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे. प्रोटेक्टर का जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही होती है, उस पॉइंट को हमें यहाँ रखना होता है इस पॉइंट पे. देन जहां भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ होता है सेंटर में, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लेंगे. फिर रूलर की हेल्प से इस पॉइंट तक एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम ऊपर तक बना देंगे ऐसे करके. सो ये जो हमारा एंगल है ये हो गया एक 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, इसको हम नाम देंगे ए ओ एंड बी. ठीक है, अब हमें इस एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं. सो पहले हम इसके इतने स्टेप लिखेंगे. ड्रॉ एन एंगल ए ओ बी. ए ओ बी हमने एक एंगल ड्रॉ करा है जिसका मेजर है 90 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर. हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल ड्रॉ करा है जिसका मेजर है 90 डिग्री. अब हमें इस एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हम कंपास लेंगे. अपने कंपास को यहाँ ओ पॉइंट पे लिखे रखेंगे. कंपास को जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हमें ए पॉइंट पे ओ पॉइंट पे रखना है. एंड हम रेडियस अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं, यानी कि कंपास में हम अपने अकॉर्डिंग कितना भी गैप ले सकते हैं. इस ऐसे करके हम एक आर्क बनाएंगे. ठीक है, फिर अपने कंपास के पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे. इन दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी एंड डी. यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे छोटा सा. फिर डी पॉइंट पे रखेंगे अपने कंपास के निप को एंड एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. फिर ओ से लेके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन हमारी इन दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई जाएगी. इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे. एक लाइन पॉइंट हमें यहाँ लेना है, दोनों लाइन हमारी जहाँ टच हो रही है बिल्कुल इसके सेंटर में. एंड एक पॉइंट हमें लाइन का यहाँ लेना है जहाँ हमारे पास दो आर्क है, दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. सो ऐसे करके बनाएंगे हम यहाँ पे एक लाइन. सो ये जो हमारी लाइन है ई एफ ओ एफ, ये एक हमारी बाइसेक्टर है. एंगल जो हमारा ए ओ बी एंगल है 90 डिग्री का, उसका बाइसेक्टर है ओ एफ. अब हमें इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे. सबसे पहले तो हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया है, उसके बाद ओ को सेंटर लेके हमने एक आर्क ड्रॉ करा है विद ओ एस सेंटर एंड एनी रेडियस. रेडियस हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले ली है, छोटी बड़ी हम कितनी भी ले सकते हैं. ड्रॉ एन आर्क, एक हमने आर्क ड्रॉ करा है जिसने हमारी ओ ए और ओ बी लाइन को सी और डी पॉइंट से कट किया है. सो ये हो जाएगा विच कट ओ ए एंड ओ बी एट सी एंड डी. ओ ए और ओ बी को सी और डी पॉइंट पे कट किया है. फिर हमने सी और डी को सेंटर लिया है और दो आर्क ड्रॉ करे हैं विद सी एंड डी. एक बार हमने सी पॉइंट पे अपने कंपास को रखा है एक आर्क ड्रॉ करने के लिए, फिर दूसरी बार डी पॉइंट पे कंपास रखा है दूसरा आर्क ड्रॉ करने के लिए. ड्रॉ टू आर्क. सो यहां पे हमारे दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट हुए हैं. इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई पॉइंट. सो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई.
intersecting each other at E. ये जो हमने C और D से लेके दो आर्क ड्रॉ करे, ये दोनों आर्क हमारे E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. उसके बाद हमने O से लेके E तक एक लाइन ड्रॉ करी है, जॉइन O E. O E हमने जॉइन करी और इस लाइन को हमने आगे F तक ड्रॉ करा है. सो ये जो हमारी लाइन है O F इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री का एंगल, ओ एफ उसका बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. हमारा पूरा एंगल था 90 डिग्री का, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो दो पार्ट में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे. अगर हम 90 को टू से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 4 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचा, ऊपर से हमने 0 उतारा है, 2 5 10, अब हो गया यहाँ पे 0 0. सो 90 को 2 से डिवाइड करने में क्या आया है, 45. सो ये जो हमारे एंगल है ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एफ. एंगल बी ओ एफ ये वाला एंगल ए ओ एफ जो है ये, एंड ये जो हमारा एंगल है ये वाला बी ओ एफ, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल का मेजर है 45 डिग्री. सो ये हो जाएगा एंगल AOF इज इक्वल्स टू एंगल BOF इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. 90 डिग्री का एक एंगल था, उसके बाइसेक्टर ड्रॉ करा है हमने OF, जिसने हमारे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करा है, और दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, दोनों एंगल का मेजर होगा 45 डिग्री. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3, एंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल.